सारे 36 बरादरी से। तो एक पक्ष जो बहुत छोटा है वो ये कह रहा है कि भाई फैसला नहीं होना चाहिए था। एक पक्ष जो बहुत समझदार है वो ये कह रहा है कि फैसला हो गया, बहुत अच्छा हो गया, दोनों समाज एकजुट हो गए, दोनों भाई एकजुट हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे राजपूत भाइयों का हमारे शुक्रिया करना चाहूँगा जो 60-84 से भाई हमारे उस दिन आए, इतना सपोर्ट दिखाया। मेरे एक आवाज़ मारने पर जो सारे भाई आए, उन सारे भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। कभी मैंने लाइफ में ऐसा काम किया नहीं है कि मुझे राजपूत समाज की ज़रूरत पड़े या मैं इतनी छोटे मुद्दों पर बीच में लेके आऊँ। समाज के लिए कुछ अच्छा काम करूँगा तो ऑफकोर्स मेरे राजपूत समाज को याद करूँगा, किसी की मदद करूँगा तो करूँगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पर, इन मुद्दों पर समाज को बीच में लाना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है, और मैं कभी लाया भी नहीं इसीलिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मेरे ऊपर उंगली किसी ने उठाई कि भाई ये तो राजपूत ही नहीं, हमें गाजियाबाद जाके पता लगा। तो उस दिन मैंने आधे घंटे का टाइम देके मेरे सारे राजपूत भाइयों को बुलाया, और मेरे एक आवाज़ मारने पे जो इतने सारे भाई हमारे आए कि वो पूरा बिसाड़ा जाम जो आपने करा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वैसे शुक्रिया करना नहीं चाहिए, आप सब मेरे भाई हो, लेकिन शुक्रिया पता नहीं क्यों दिल से आवाज़ निकल रही है, तो मैंने क्या कर दूँ। और स्पेशल शुक्रिया हमारे शुभम राणा भाई का मेरठ से, दिवाकर भाटी भाई का बिसाड़ा गांव के प्रधान जी का, मेरे राजा ठाकुर भाई का, हमारे अनिल गढ़ौली भाई का फरीदाबाद से, हमारे लोकेश राजपूत भाई का, सबने बहुत सपोर्ट दिखाया, सबने बहुत प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो भाई मुझे माफ़ करें, मेरे राजपूत समाज के सारे भाई, और प्लीज़ इस चीज़ को, ख़त्म हो गई है तो ख़त्म हो जाने दें। अब बात करते हैं कि भैया फैसला नहीं होना चाहिए था, फैसला क्यों नहीं होना चाहिए था। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भाई मेरे राजपूताने खून ने मेरे माँ बाप ने एक ही संस्कार दिए हैं कि एक तो निहत्ते पे हाथ नहीं उठाना, और दूसरा घर आए हुए चाहे दुश्मन भी हो, अतिथि देवो भवा, हमें यही सिखाया जाता है हमारे हिंदू समाज में कि घर आया हुआ इंसान कोई भी हो, चाहे वो आपका दुश्मन है, वो भगवान के समान है। तो किसी इंसान ने जब मुझे गाली दी और वो घर आके मेरे माँ बाप के पैर पकड़ रहा है, पैर छू रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप उस पर हाथ उठाते या उसे गालियाँ देते? तो मेरे हिसाब से तो ये बुजदिली का काम है, सबसे ज़्यादा कमजोरी का काम है। घर आए हुए इंसान के साथ अगर आप कुछ भी तरह की बदतमीजी करते हो। दूसरी चीज़, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया बड़ों का सम्मान करना, तो रूबल भाई मेरे बड़े भाई हैं, रूबल भाई से उनकी बात हुई और वो लोग सारे एक घर के आए, तो मैंने रूबल भाई के सम्मान करते हुए रूबल भाई ने बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरा बड़ा भाई, और ये चीज़ आज के आज ख़त्म करो। तो जब बड़े भाई बाप समान होते हैं तो भाई, तो रूबल भाई के कहने पे मैंने भी थोड़ी सी नर्मदा दिखाई जिससे कि कुछ भाई नाराज़ हैं। तो भाई मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप लोगों ने प्यार देकर हमें यहाँ तक भेजा है, 5 मिलियन के आसपास मेरे फॉलोअर हैं, 3 मिलियन यूट्यूब के ऊपर, 2 मिलियन के आसपास हमारा इंस्टाग्राम पे हो जाएंगे, तो आप ये चाहते हैं कि मैं समाज को जोड़ना सिखाऊं मेरे छोटे भाइयों को, या समाज को तोड़ना सिखाऊं? कि अगर कोई लड़ाई हुई है तो उसको ख़त्म करना सिखाऊं या उसको बढ़ाना सिखाऊं? आप कमेंट करके बताना मुझे क्या सिखाना चाहिए बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब जो भाई मेरे ये कह रहे कि भैया लड़ाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, भाई एक दिन तो ख़त्म होनी है लड़ाई, लड़ाई एक दिन तो ख़त्म होगी ही होगी। जो आप चाहते हो उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, एक बार जाके आज एल्विश के मम्मी पापा का इंटरव्यू देखना न्यूज़ चैनल के ऊपर, कैसे फूट फूट के रो रहे हैं वो, जितने भी लोग हम देख रहे हैं ना उसके माता पिता को रोते हुए, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि हम दोनों लड़ते रहते, दोनों में से एक की मौत हो जाती लड़ते लड़ते, और एक के माँ बाप की वो हालत हो जाती जो आज एल्विश के माँ बाप की हो रही है, न्यूज़ चैनल के ऊपर हो रहे हैं। तो कोई भी झगड़ा अगर प्यार से ख़त्म हो रहा तो उसको ख़त्म करने में ही मेरे हिसाब से समझदारी है। दूसरी चीज़, ये दो समाज आपस में लड़ रहे थे, जो कि हमारा भाई अजगर समाज सबसे बड़ा समाज है हिंदुस्तान का, कोई आपकी माँ के घर आके पैर छू रहा, तो मेरे हिसाब से तो माफ़ कर देना चाहिए। आपका जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मेरे सारे राजपूत भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देने के लिए, मेरे राजपूत समाज का बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी भी ज़िंदगी में राजपूत समाज को मेरी ज़रूरत पड़ी, कसम मेरे महाराणा प्रताप की जुबान दे रहा हूँ, कभी भी राजपूत समाज को मेरी ज़रूरत पड़ी, चाहे सर कटाने में, चाहे सर काटने में, चाहे झुकने में, चाहे किसी को झुकाने में, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। वैसे भी पहले भी हमेशा रहा हूँ, लेकिन इस बार जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिखाया, सच में यार मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको शुक्रिया करने का। थैंक यू सो मच, लव यू।